नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति नचिकेयर में। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हाथ पैर में सुन्नपन, नसों में दर्द और उसके कारण जो झंझनाहटी होती है उसके उपाय के बारे में, और नसों में दर्द होने पर आपको खाने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सा खाना आपको ज़्यादा खाना चाहिए उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहेगा, और जो भी हमारे नए व्यूवर्स है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में दिया गया बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हमारी नई अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों हाथ पैर सुन्न होने की समस्या इसलिए होती है क्योंकि इन अंगों में लगातार दबाव पड़ने से रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है। जैसे ही इन अंगों पर से दबाव हटता है वैसे ही शरीर में रक्त और ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होने लगता है और उन अंगों में संवेदनशीलता वापस से लौट आती है। यह प्रक्रिया अगर आपको बार बार दोहराती है तो आपको हल्दी और लहसुन वाला दूध का सेवन करना आपके लिए बेहतरीन होगा। इसे शरीर में रक्त का संचार अच्छी तरह से होने लगता है। लहसुन से नसों में जमा हुआ कचरा भी बाहर आ जाता है। इसका सेवन करने के लिए 100 ml दूध में 2 से 3 कलियां लहसुन की कूट कर दूध को गर्म कर ले, और दूध गर्म होने के बाद आधा चम्मच हल्दी पाउडर और अपने स्वाद अनुसार शहद डालकर सुबह और शाम को सेवन करने से हाथ पैर में होने वाले सूनपन और झंझनाहट से आपको राहत मिल जाएगी। यदि हाथ पैर या शरीर का दूसरा अंग बार बार सुन्न होता है तो आपको अपने डाइट में विभिन्न विटामिन और मैग्नीशियम को शामिल करना चाहिए, साथ ही एक्सरसाइज को भी रूटीन में शामिल करें। इससे शरीर में रक्त का संचार अच्छी तरह से बना रहेगा। रोज़ाना सुबह शाम 10 से 20 मिनट तक एरोबिक्स को भी शामिल करें, या फिर आप वॉकिंग पर भी जा सकते हैं, जिससे शरीर में रक्त का सर्कुलेशन ठीक से बना रहेगा और सुन्नपन की समस्या से आपको आराम मिल जाएगा। हाथ पैर में सुन्नपन और नसों में दर्द होने के कई और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि नसों में ब्लॉकेज, खराब जीवन शैली, मधुमेह, पैरों में सूजन, या फिर थायराइड की वजह से वजन बढ़ने के कारण, या फिर अपने खाने में ज़्यादातर तैलीय पदार्थ का सेवन करने से यह समस्या हो सकती है। तो इसलिए आपको एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करना चाहिए। हाथ पैर में सुन्नपन या फिर दर्द महसूस होने पर आप मालिश का भी सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल लेना है और उसमें 2 से 3 टुकड़े कपूर और 5 से 7 दाने लौंग डालकर तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। ठंडा होने के बाद जिस स्थान पर आपको दर्द या फिर सुन्नपन महसूस होता है उस स्थान पर हल्के हाथों मालिश करने से भी आपको सुन्नपन या फिर दर्द में राहत मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले ताकि आपके सवालों का जवाब वहाँ पर अच्छे से दे पाए। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।